यहाँ आजकल ऐसे कचरा हो रखा है। रोड साइड से हमारा कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है, सिर पे घाम। और ये जो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, नए दिन की शुरुआत के साथ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1:30 बजे से। तो आज की व्लॉगिंग में आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी और सब लोग घर में क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ये रूम है हमारा, ये छोटा सा है। यहाँ आजकल ऐसे कचरा हो रहा था क्योंकि यहाँ हमारे ना काम, हमने रजाई बनवा रहे हैं। और फिर मैं आपको और भी कमरे दिखाती हूँ, ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन और जहाँ हमारी गाय रहती वो वाला पोर्शन पूरा आपको दिखाती हूँ। वेट। रोड साइड से हमारा कुछ ऐसा दिखता है, दो दुकानें हैं और आगे की साइड से मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इन दुकानों को दिखा लेती हूँ। तो ये हमारी दुकान है, ये फैमिली वाले ही लोग चलाते हैं। और ये दूसरी दुकान है, इसमें हम स्टोर सामान रखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सामान भी रख लेते हैं। और ये ऊपर का पोर्शन का बरामदा है, ऊपर छत पे चलते हैं, छत पे ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पे ना रजाई बनाने का काम हो रहा है। लगभग रजाई तैयार हो गई है। तो ये है हमारा बोतू, यहाँ मस्त कराटे ले रहा है ना। तो यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखता है, सिर पे घाम। और ये जो सामने है सबसे बड़ा गांव है। ये अपना गांव दिखा ना, चलो नीचे चलते हैं। तो ये जो नीचे दिख रहा है आपको चादर से बना हुआ, यहाँ हमारी गाय रहती है और बाहर पे रहते हैं। अभी वो देखो नीचे जा रहे हैं चरने के लिए, नीचे उसका बछड़ा भी। मम्मी बुला रही है और आगे से हमारा घर कुछ इस तरह दिखता है। तो सबसे पहले हम किचन में चलेंगे। पहले ये हमारा एंटर गेट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। और किचन में भी अंधेरा है, लाइट ऑन करती हूँ। तो ये किचन है, ये हमारा किचन है और ये है पहाड़ी चूल्हा। पहाड़ी चूल्हे के बाद में लेके जाते हैं अपनी दादी वाले रूम में। दादी तो है नहीं अब, तो इसके ऊपर ना मेरी दादी सोती थी, मुझे बहुत याद आती इनकी। और ये हमारा पूजा घर और यहाँ मम्मी अपना सारा सामान रखती है, राशन पानी। और यहाँ हम ना रात को सोते भी है, आराम से मज़े से टीवी देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, साउथ की ज़्यादा देखते हैं। सिस्टर और मम्मी पापा और मेरी सिस्टर तो चले गए नीचे और मुझे छोड़ के गए हैं। तो ये फ्रिज व फ्रिज रखते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रिज में अभी दूध वगैरह रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक लड़की ये है जो सुबह का नाश्ता जो है अभी खा रही है ना, सबसे फेवरेट है इसका गोभी बहू। कमेंट में सब बताना किसको गोभी बहू पसंद है, किस किस को पसंद है ना। ये है हमारा दूसरा रूम। और ये क्योंकि यहाँ मेरा भाई सोता है इसीलिए उसने एक स्पीकर वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ और एक यहाँ। मुझे नहीं समझ में आता है उसने कैसे फिट किया हुआ है, कैसे उसने ब्लूटूथ ऑन करके पूरा दिन भर म्यूज़िक सुन। तो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो एक बड़ा रूम है हमारा जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। तो इसके अंदर सिस्टम है, वॉशरूम बाथरूम दोनों अंदर ही है। और यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ लगाई हुई है
और आई मिसिंग यू, मिसिंग दादी। यहाँ पे सारी फैमिली वालों की फ़ोटो लगाई हुई है और सबसे ऊपर मेरी भी और मेरी फ्रेंड की फ़ोटो लगाई हुई है। यहाँ पे दो डबल बेड है, यहाँ कोई नहीं सोता। आजकल तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोते, गर्मी में सोते हैं बस। मम्मी भी धूप सेक रही है यहाँ पे। क्या मैं करनी, मम्मी कह रही है ना थोड़ी देर में लंच दूंगी, क्योंकि अभी लंच नहीं बना हमारा। शिक्षा क्या देख रहे हो, पराठा खाओ ना अपना पहले। नहीं खाना, मुझे तो दादाजी की भक्त है। लंच देखते हैं, लंच क्या बना है आज। घर की दाल। गाय भी हमारी घर आ चुकी है, मम्मी उसे बांध रही है। और गांव में भी अब सन्नाटा हुआ, क्योंकि आजकल सब घर आ रहे थे, सब नीचे चले गए। सब वो बड़ी है अपने बाखरों को चराने में लगी हुई। क्या बड़ी करनी, बाकरा चराने? तो अपनी बकरियों को चरा रही है। और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नए व्लॉग में, अगली नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमेशा अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय।